उठाया है कि योगी जी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है ना। ओवैसी जी, आप उन्हीं ओवैसी जी की बात कर रहे हो ना जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो देख लेंगे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है? आज तक योगी आदित्यनाथ ने बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा रहे हैं, एक बार 2002 में हटी थी पुलिस, ठीक। इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं है। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ओवैसी ही खत्म आदमी है। और योगी जी ना किसी से नहीं डरते, तुम्हारे को 2 दिन में तुम्हारी हालत खराब कर गए। आप पूछ रहे हैं कि ओवैसी जी ने यह सवाल उठाया है कि योगी जी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है ना। ओवैसी जी, आप उन्हीं ओवैसी जी की बात कर रहे हो ना जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो देख लेंगे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है? आज तक योगी आदित्यनाथ ने बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा रहे हैं, एक बार 2002 में हटी थी पुलिस, ठीक। इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं है। तो सर, इस तरीके के जो बयान आते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, हर बार हिंदू मुस्लिम वाले बयान ही क्यों आते हैं, क्या कारण? उनकी वोट बैंक है, वो क्यों नहीं बयान देंगे भाई? ये तो आपको हमको समझना है। गद्दार है वो, गद्दार तो आप ठीक है, आप हर इंसान अपने अपने बात करने के लिए बिल्कुल अलाउड है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उनका वोट बैंक है, वो वहीं से जीत के आते हैं, जो बात जनता को पसंद होती है वहाँ की वो करते हैं, खत्म हो गई बात। हमको आपको उनके बयानों को सीरियसली नहीं लेना है। सही बात, बिल्कुल। लेकिन सर, बयानों को सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो आगे और भड़काऊ बयान आएंगे और लोग भड़केंगे उससे। भड़काऊ बयान आने दीजिए, देश की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि हमको फ्री में राज में मिलना है, राष्ट्र का जब निर्माण होने की बात होगी तो मोदी जी को याद करेंगे सब। प्रदेश में आदमी कुछ भी कर लेगा कि नहीं ठीक है, हमको रिक्शा फ्री मिल रहा है, हमको साइकिल फ्री मिल रही है, हमको बस फ्री मिल रही है, हमको गैस फ्री मिल रही है, हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है, हमको सब कुछ फ्री मिल रहा है। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो हर इंसान एक ही तरफ देख रहा होगा, नरेंद्र मोदी की तरफ। क्या कहेंगे सर ओवैसी जी के इस बयान पर? ओवैसी जी का तो देखिए काम ही बोलने का है जी। ओवैसी जी ने कोई आज तक ऐसी बात नहीं करी जो भी देश हित के बारे में हो जी। वो अभी पीछे आपको याद होगा 2-4 साल पहले पाकिस्तान गए थे और वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं करके आए जिससे वो देश युद्ध की बात करी हो। जैसे लोग ही देश को बदनाम किए हुए हैं समझे, आज मोदी जी जो हैं, मोदी जी से हमारे देश का पहचान बढ़ा है, आज विश्व में हमारा मान बढ़ा है मोदी जी के चलते। ये कुछ लोग जो चट्टू बट्टू के जो लोग हैं ना, जिनके चलते हम परेशान हैं। सर ओवैसी जी ने योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए ये और कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं वही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक तरीके से सवाल खड़े। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ओवैसी ही खत्म आदमी है, समझ रहे? वो एकदम किस लड़का। सन 1990 से लेके 2012 तक, 2002 तक तो कितने बॉम्ब विस्फोट हुए हैं और उसके बाद आप देख लीजिए सुरक्षा कितनी बड़ी बनी। तो सुरक्षा का जो मुद्दा बताया था बिल्कुल सही है। योगी जी से सारा डर तो योगी जी से है, सबको योगी जी दिल्ली में आए थे, उन्होंने ये बोला था मैं हनुमान चालीसा पढ़वा दूंगा इन सबसे, उनको डर लग रहा है। वो ये अभी 3-4 दिन पहले अहमदाबाद, ये तुम्हारा हैदराबाद के अंदर उन्होंने बोला गोली मारो गद्दारों को, मैं बीच मैदान में आ जाता हूँ। अरे तू आके तो दिखा सामने, गोली हम मार के दिखा देंगे, हिंदुस्तानी बहुत बैठे गोली मारने वाले। अरे तेरे को शाहीन बाग में जाके गोली मार दी, तू सामने तेरे को तो वहीं की वहीं भून देंगे, कोई ये नहीं है। और योगी जी ना किसी से नहीं डरते, तुम्हारे को 2 दिन में तुम्हारी हालत खराब कर गए, ठीक है। और मार्च के बाद, अब मैं ये भी बता देता हूँ कैमरे के सामने तुम्हारे, जो केजरीवाल जी जीत के ना, ये राष्ट्रवाद में जो दोगले हिंदू हैं उन्होंने और लालची इंसान ने, ठीक है, और आलसी ने जो केजरीवाल को जिता दिया, उनको सब याद आएगा। मार्च के बाद जब DTC घाटे में जाएगी तो कहेंगे DTC बिक गई, ठीक है जी। उसमें अब लेडीज रात को 9 बजे खड़ी होती हैं, आप कैमरा लेके जाना, ड्राइवर भी नहीं रोकते, कहते हैं ये बस रोकनी क्या, फ्री की चढ़ रही हैं। अरे तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है क्या, किस चीज़ का क्या? अब काम, अब क्या इसने रोना चालू कर देना है दोबारा, इसने रोना यही चालू करना है जी। मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, ये टैक्स नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो मोदी जी तो देखो, ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, वो सुअर है और सुअर रहेगा, चाहे मेरी डेबिट काट देना, जैसे वो बकरा खा सकता है सुअर नहीं खा सकता, तो उसके साथ यही है। ओबीसी उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं है हिंदुस्तान का। और ये CA में भड़का रहा है तो सर वही भड़का रहा है, बॉम्बे में जाके महाराष्ट्र में वही कर रहा है, वहाँ पे यहाँ पे आ जाना शाहीन बाग में, यहाँ क्यों नहीं बोलता आगे? कुछ दिन पहले ओवैसी जी ने बयान दिया था कि सीने पर गोली खाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। सर कागज तो दिखाने पड़ेंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे कागज? अरे आगे आगे देखो होता है क्या सर, ये तो कागज की बात तो यहीं रह जाएगी, कागज तो दिखाएंगे। अगला बिल और तैयार है, जनसंख्या कानून आने वाला है सर, ये बैठी बैठी दूसरी बिरयानी भी खाएंगे, ये तो है ही है, इनको दूसरी प्लेट साथ में और मिलेगी। देखो एक बात, जनसंख्या कानून आने वाला ही है, ठीक है, ये तो चाहे रोड पे अपनी बहन बैठाओ, बेटी हमारी माँ बहन बेटी सब है, ठीक है, उससे ये नहीं हटेगा। आप सोचो, और NRC लागू होगा, अभी CA और आधे बंदों से जाके आप अपना कैमरा लेके जाओ, ठीक है, उनसे ये पूछो, सुधीर चौधरी जी आए
दीपक चौरसिया जी आए, जब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कैमरा क्यों तोड़ रहे हैं, मतलब आपकी बात सुने खाली हाँ। अरे हम भी तो खड़े हैं, आप जिसने जवाब देना यहाँ पे दो, हम आपका कैमरा तोड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, सारी चीज आप बताओ ना। सुनी तो ऐसा एनडीटीवी वाला वो तो महाचोर है, रवीश कुमार ना वो जयचंद है, और एक आध जयचंद यहाँ भी खड़े हैं सुन रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है ना, एक आध जयचंद यहाँ भी खड़े हैं वो बोल नहीं रहे, मैं उनको देखता हूँ सुबह शाम तक यहीं रहता हूँ, मैं सुबह शाम तक यहीं देखता हूँ, दो चार जयचंद यहाँ पे भी है जयचंद है वो, इसलिए तो भैया एनआरसी आएगा, सीए आ चुका है, और अगला बिल मार्च से पहले पहले जनसंख्या कानून का आना आना ही है, और रही कश्मीर की बात इंटरनेट की, अभी 6 महीने और चालू नहीं होगा वो, 2G सर्विस चालू, ठीक है, इनको ये लगता है 2012 के बाद एक भी कोई आप बम धमाका दिखा दो दिल्ली में कहीं भी दिखा दो, ये बताओ कुछ भी, अब कांग्रेस वालों ने कल बोला या मोदी ने, ये मोदी जी ने बम ब्लास्ट करवाए थे या अपनी वोट जीतनी थी, अरे उसकी माँ से पूछो और उसके बाप से पूछो जिसका लाल गया है, उनका सन नहीं गया, उनका धन नहीं गया, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, जब भी तुम 0% आए हो तुमने अपने डर के चक्कर में इलेक्शन नहीं लड़ा जी, केजरीवाल जीत जाएंगे हम तो 0 हैं, वो तो पप्पू है ही, उसकी मम्मी है ही बाहर की, तो इनके बस की है कुछ नहीं, इन्होंने इतनी बना लिया है, इतना खा लिया है, इनके बस की कुछ नहीं है, और केजरीवाल भी देखो मैं कैमरे के सामने और सामने मैं वो नहीं हूँ मनोज तिवारी जी 48 या वो जो भी हैं, तो 0 ये रह गई, राहुल जी 0 ही रहेंगे, और 0 हैं तो केजरीवाल भी ज़्यादा नहीं है, मार्च तक है, मार्च के बाद फिर रोना खाना वही कर देगा, वैसे ही कुछ बोलते रहता है, उसके बाद में कुछ तो हमेशा बकाते ही रहता है, उसके जैसा खत्म आदमी कोई है ही नहीं है दुनिया में, समझे कि नहीं, इसलिए वैसी की बात में मत जाइए, मोदी जी हैं उनका साथ दीजिए, बस खत्म।